नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर फरुखाबाद से बताई जा रही है। फरुखाबाद जिले में पंजाब की कोर्ट में माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के नंबर वाली जिस एम्बुलेंस से पेश किया था, जांच में उसके पंजीकरण के दस्तावेज फर्जी निकलने के बाद देश भर की एम्बुलेंस की हड़ताल होने लगी है। फरुखाबाद जिले में भी हुई हड़ताल के नतीजे चौंकाने वाले है। जहाँ भी फर्जी पतों के आधार पर पंजीकृत एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, 51 ऐसी एम्बुलेंस हैं जिनकी फिटनेस भी कई वर्षों से नहीं कराई गई है। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस का प्रकरण सामने आने के बाद परिवहन विभाग की हलचल बढ़ गई है। जी हां, फरुखाबाद जिले में भी एम्बुलेंस की पत्रावलियां खंगाली गई। उप संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 139 एम्बुलेंस पंजीकृत है, जिसमें से 51 एम्बुलेंस की वर्ष 2011 से अब तक फिटनेस नहीं कराई गई है, जबकि ये लगातार मरीजों की सेवा में दौड़ रही हैं। इसमें नामी ग्रामी डॉक्टर व अस्पतालों की एम्बुलेंस शामिल है। सर, जिले में सर कितने एम्बुलेंस पंजीकृत हैं सर, कितनी के ऊपर कार्रवाई की है सर, थोड़ा बताएं। जनपद में कुल 139 एम्बुलेंस पंजीकृत हैं, जिसमें से 51 एम्बुलेंस की फिटनेस समाप्त थी 31 मार्च 2021 के पहले। इनको सभी को नोटिस प्रेषित किए गए हैं। इनमें से ऐसा संज्ञान में आया है कि 23 ऐसी एम्बुलेंस है जो कि भरखा राजेपुर फरुखाबाद कपूर मेडिकल सेंटर के नाम पंजीकृत हैं, जो कि ऐसा संज्ञान में आया कि वहाँ पे वो मेडिकल सेंटर संचालित नहीं है। इन सबको नोटिस भेजा गया है। अगर नोटिस सर्व नहीं होता है तो इनको MBA के तहत रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन इनका निरस्त किया जाएगा। सर, सरकारी विभाग में एम्बुलेंस कितनी है और प्राइवेट में कितनी? सरकारी एम्बुलेंस लगभग 15 है जो यहाँ पंजीकृत है, और सभी प्राइवेट नर्सिंग होम और मेडिकल सेंटर के नाम पंजीकृत है। सर, कुछ एम्बुलेंस स्कूल में लगाई गई है सर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? जितने भी ऐसे वाहन है जो कि अनियमित रूप से अवैध रूप से चल रहे हैं, पंजीकृत कहीं है चला कहीं और रहे हैं, उनके खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।